डियर स्टूडेंट्स पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने कंप्लीट किया इंड्यूस ब्रीडिंग इन फिशेस बाय हाइपोफाइसेशन कैसे हम लोग पिस्ट्री एक्सट्रैक्ट करते हैं कैसे हम उसे स्टोर करते हैं कैसे हम उसे इंजेक्ट करते हैं और उसकी डोजेज क्या है आज हम कुछ सिंथेटिक हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे जो इस्तेमाल होते हैं एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में और अल्टरनेटिव है फिश पिस्ट्री के।, के अलावा हम लोग किन हारमोन्स को इंजेक्ट करते हैं फिशेस में ताकि फिशेस ब्रीड कर सके हम ऐसे हारमोन्स को सिंथेटिक हारमोन्स बोलते हैं तो आज हम पूरा लेक्चर इसी के, के बारे में पढ़ेंगे जानेंगे हम ह्यूमन कोर यानी के बारे में उप्रिम के बारे में ओवाटाइट के बारे में ओवापेल के बारे में ल्यूटनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के बारे में प्रोजेस्ट्रोन के बारे में डोका के बारे में एंटी एस्ट्रोजन के बारे में और फिर हम जानेंगे कि इसकी क्या डोजेज रहती है आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें Now we shall be talking about the various alternatives to fish, fish tree extract. The studies conducted by numerous investigators on induced breeding of fishes they have indicated the superiority of several ovulating agents over the fish, fish tree extract. So it it means that the new extracted, new hormones, new discovered synthetic hormones they were. Found to be superior over the fish-tree extract. Although fish fishery extract was initially used extensively for the fish breeding all over the world, now synthetic spawning hormones are now being increasingly used due to their efficacy and convenience. Now let us have a have a quick look that how this progress was made and what are the milestones achieved. Now it was it was Sinha 1969 who reported fractionation of history extract from carbs and tilapia and he obtained success in spanning the carbs. So Sinha 1969 tried to separate the hormones from the pistoly extract from the carbs and tilapia, and he obtained success for the spanning in the case of carbs. Then baumik 1979 he found mammalian hormones such as such as antiturin and luteocycline and luteinizing hormone releasing hormone ineffective when injected singly or in combination with carp extract. So, he did not obtain good results. Then, Banerjee 1989 succeeded in purification of pistri gonadotropic hormones from Channa punctatus and Catla Catla. So, it was in 1989 who succeeded in the purification of the histri gonadotropic hormones from Channa punctatus and Catla Catla. So, in 1989

ये देखें कि जितने भी मैमलिन हार्मोन जो टेस्ट हुए फिश में उनमें से कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन उसके सक्सेसफुल रिजल्ट रहे गोनेडोट्रोफिन उसके सक्सेसफुल रिजल्ट रहे तो साइनोरिन 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 एक कंपाउंड है जिसे हम कंबिनेशन में बनाते हैं एक तो इसमें हम कोरियोनिक कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन हम इस्तेमाल करते हैं प्लस हम इसमें मैमलियन पिस्ट्री एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो साइनोरिन क्या है एक ड्रग है जिसमें हम कोरियनिक गोनेडोट्रोफिन और पिस्ट्री एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी पॉजिटिव रिजल्ट मिले अच्छे रिजल्ट मिले जब इंजेक्ट किया गया रोहू को जब रोहू लेबिता को इंजेक्ट किया गया देन वी डू हैव द रिपोर्ट दैट दी आई एफ आर आई सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज फिश रिसर्च Then the Sifri Barakpur, that is Central Inland Fisheries Research Institute Barakpur. They undertook detailed studies on the use of luteinizing hormone releasing hormone alone or in combination with progesterone and obtained breeding success with which ranged from 25 to 49% in calves and 100% in catfish. So SIFRI Barakpurne to detailed study is per कि जो ल्यूटनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का अकेले में इस्तेमाल और इसका कम्बिनेशन में प्रोजेस्ट्रोन के साथ इस्तेमाल करके देखा गया और ये देखा कि 25 टू तो 49 परसेंट जो रिजल्ट्स हैं वो काफ से मिले और 100 परसेंट रिजल्ट कैटफिश में मिले तो इसके साथ ही सिंथेटिक ल्यूटनाइजिंग हारमोन रिलीजिंग हारमोन का भी इस्तेमाल किया जाने लगा बहुत सारी टीलियोस्ट पर उसके बाद में सिंस इजिंग हार्मो हारमोन नेरी कल्चर्ड फिश इज हाईलीफेक्टिव प्रोसीजर एंड दिस मैथड इज कॉल्ड मैथड अब देखना अब शुरुआती दौर में

and our nervous system uses it to send messages between nerve and cells between nerve cells so that is why it is called a chemical messenger as well and this very dopamine it plays an important role that um, that how we feel pleasure so in this very in the in the in case of used um, in addition to gonadotropin releasing hormone uh, this very stimulatory system neuro secreting dopamine have been identified as inhibitory सिस्टमोडक्टिव सक्सेस तो यह है स्लाइड में पढ़ेंगे वो डोम पेरिडोन है तो डोम पेरिडोन को जब ल्यूटनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के साथ में दिया जाने लगा तो वो उसके एंटेगनिज्म को इन इफेक्टिव कर देता था और या आप कह सकते हैं एग्स रिलीज या स्पर्म रिलीज होना शुरू हो जाते थे तो इसी मेथड को हम लिनपे मेथड बोलते हैं और ये लिन पे मेथड हम क्यों बोलते हैं ये भी हम आगे जानेंगे मगर सर यहां पर हम इसलिए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ल्यूटनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को जब किसी डोपामिन एंटेग्नेस्ट के साथ में इंजेक्ट किया जाने लगा तो इसके जो इफेक्ट थे वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव थे और ये सबसे ज्यादा जो है वर्ल्ड वाइड यूज होने लगे। तो रिपोर्टर्स ने सक्सेसफुल स्पॉनिंग करवाई कैतला की रोहू की मृगल की ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग्स के साथ में चाहे वो 10 टू 20 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के साथ में और 100% एवोल्यूशन पाइमोजाइड के साथ 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के की डोसेज में तो परमेश्वरन इट 1988 में ही अचीव्ड सक्सेसफुल स्पॉनिंग इन मृगल विद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ए uh, जिसे हम ब्यूसरिल uh, कॉम्बिनेशन में और प्रोजेस्टिरोन तो परमेश्वरन इटल सक्सेसफुल स्पॉनिंग इन रिगल विद हार्मोनिजिंग हार्मोन हार्मोन, एस्टेट और एंड ब्यूसरेरोन सो इट वॉज द कंबिनेशन ऑफ ल्यूटनाइजिंग रिलीजिंग हार्मोन ए ब्यूसर एस्टेट Uh, in combination with progesterone, which gave better results in the case of mrigal, and investigations of the Jose until 1989 with the luteinizing hormone, releasing hormone indicated successful breeding in mrigal and labiofimbriatus. So, luteinizing hormone, releasing hormones also indicated successful results in the case of mrigal and the and labiofimbriatus now we shall be talking about one of the important uh, that is hormones that is human chorionic gonadotropin so now we had a glimpse and overview of the different hormones uh, or the synthetic hormones being used in the aquaculture industry but now we shall be talking in detail all these uh, hormones in detail so human chorionic gonadotropin it is a hormone for maternal recognition of pregnancy produced by trophoblast cells. So that are surrounded by growing embryo. So syncytiotrophoblast initially and which eventually forms the placenta after implantation in the case of the mammals. So we call this as the human chorionic, chorionic gonadotropin. So the presence of the human chorionic gonadotropin is detected in some pregnancy test. हम इसे प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं तो अगर आप लोग ये जानते होंगे इवन कि यूरिन टेस्ट से भी प्रेगनेंसी का पता लगाया जा सकता है कि अगर उसमें ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन के लिए वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब है मां के पेट में बच्चा पल रहा है तो जिसकी वजह से ये ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन जो है वो यूरिन में डिटेक्ट हो रहा है

विथ सर्कुलेटिंग पिस्ट्री हार्मोन और पिस्ट्री गोनेट्रोपिन ऑफ दिश सो इसके इंजेक्ट करने का मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि सारे का सारा काम यही करता है मगर नहीं ये, ए, ये स्पर्म को रिलीज करवाने में या एग को रिलीज करवाने में ज्वाइंटली हेल्प करता है किसके साथ में जो ऑलरेडी फिस्ट्री हार्मोन जो है या फिस्ट्री गोनेडोट्रोफिन फिश के अंदर होते हैं तो उन्हें एक्टिवेट करता है और रिलीज करवाता है When hCG is injected singly, it is not so effective, and when it is injected together with pituitary gland extract, it gives bad results. So it has been seen that the, um, this very mammalian or the human chorionic gonadotropin, when it is used singly, it does not give good results, and that is why it is used in combination with the with pituitary gland extract as well to give the good results. So.

सो इन इंडिया अगर हम इंडिया की बात करें इस एच सी जी का क्या सीनेरियो रहा इन इंडिया यूज ऑफ एच सी जी इन इंड्यूस्ड ब्रीडिंग ऑफ द फिश स्टार्टेड इन नाइनटीन एटीज दिस वेरी एच सी जी वॉज यूज इन द इंडस्ट्री फ्रॉम नाइनटीन एटीज एंडियन एंड दाइनीस गुड रिजल्ट इंडियन मेजर काप्स ने भी में भी और चाइनीस में भी इसके रिजल्ट जो है अच्छे मिले एंड इट इज इंक्रीजिंगली बिकमिंग पॉपुलर इन दम्स ऑफ वेस्ट बंगाल हरियाणा मध्य प्रदेश और इन फार इंडिया Infar इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है हैज आउट प्रोडक्ट अंडर द नेम ऑफ दूमैक व्हिच इज एसेंशियली एचसीजी तो इसका एक ट्रेड नेम से SUMAC के नाम से भी मार्केट में आ रहा है जिसे कि इंफार इंडिया लिमिटेड जो है वो मार्केट कर रही है तो जिसमें ह्यूमन कोरियानिक गोनेडो है एक एडवांटेज ये चीप है पिस्ट्री ग्लैंड से और ये देर तक स्टोर किया जा सकता है इसीलिए हम कहते हैं कि लॉन्ग शेल्फ लाइफ द प्रोडक्ट इज ग्राइंडेड इन डिस्टिल्ड वाटर दैट इज टू मिलीग्राम इन जीरो पॉइंट टू एम एल एंड मिक्सर इज सेंट्री द सुपरनेटेंट इज यूज फॉर इंजेक्शन

कॉम्बिनेशन देते हैं पिस्ट्री ग्लैंड एक्सट्रैक्ट का भी फॉर बेटर रिजल्ट्स फुली राइप ब्रीडर एंड फेवरेबल वेदर कंडीशंस आर मस्ट तो अब इंजेक्शन के वक्त ये ख्याल रखना है जो जिस ब्रीडर को जिस ब्रूड uh, फिश um, को आप लोग इंजेक्ट कर रहे हैं वो फुली मैच्योर हो और कंडीशंस यानी कि जो एनवायरमेंटल या वेदर कंडीशंस है वो भी फेवरेबल हो तो इसका ड्रॉबैक क्या है एचसीजी का ड्रॉबैक क्या है

तो आइए हम कुछ न्यू जनरेशन ड्रग्स की बात करें सिंथेटिक हार्मोन्स या सिंथेटिक ड्रग्स की बात करें जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है जाता है जो है इंड्यूस फिशेस की इंड्यूस इंडियन के लिए जैसे कि हमारे पास ओवा है हैल है पाइमोजाइड है, है डोका है, है एंटी एस्ट्रोजन है हालांकि इन सब की बात में शुरू की स्लाइड में मैं बिल्कुल क्रिस्प वे में कर चुका हूं मगर इसे हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले हम बात करेंगे ओ अप्रिम की इस मेथड को हम लिनपे मेथड भी बोलते हैं क्यों हम इसे मेथड बोलते हैं द चाइनीज रिसर्चर्स दैट इज डॉक्टर एच आर लिन एच आर लिन एच आर लिन डॉक्टर एच आर लिन और आर ई पीटर आर ई पीटर तो इसीलिए इस मेथड का नाम लिन पे है इन्होंने ये मेथड डेवलप किया इसलिए इस मेथड को हम लिन पे मेथड भी बोलते हैं इसमें जो है फीमेल को इंड्यूस किया जाता है ब्रीड करने के लिए बाय इंजेक्टिंग द कॉम्बिनेशन ऑफ द दुटनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एंड डोमपेरिडोन तो मगर अगर हम ओवा की बात करें ओवाप्रेम की बात करें ओवरप्रेम इज ए प्रिपरेशन ऑफ द गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन एंड डोमपेरिडोन तो ओवाप्रिम जो इंजेक्शन है उसमें जो सालमन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का इस्तेमाल किया गया है और डोमपेरिडोन का इस्तेमाल किया गया है तो अब यानी कि ओवाप्रिम में क्या-क्या है सालमन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है और डोमपेरिडोन है डोमपेरिडोन का क्या काम है यह असल में इनहिबिट करती है डोपामाइन डौ को डोपामाइन डोपामीन को इनहिबिट करती है तो डोपामीन क्या है यह सब्सटेंस है जो इनहिबिट करता है ओवलेशन को यानी कि ओवलेट नहीं होने देता है डोपामीन तो डोम पेरिडोन एक्ट करता है डोपामीन का और इसका असर को खत्म कर देता है तो फिश ओवलेट कर सकती है एंड दियर फोर दियर फोर इट स्टलेट दस ऑर्गन ऑफ द फिश Ovoprim is a potent ovulating, yes, spermating agent. It is used to promote and facilitate reproduction of many species of fish. And it is especially formulated for salmonids, cyprinids, and other freshwater cultured fish. So that is why this is one of the most widely used hormone being injected into the various fishes. and uh, i told you that uh, Ooprim is a stable solution that contains um, that is gonadotropin hormone releasing hormone and dopamine inhibitor so dopamine kaam karta hai inhibitor ka ये, ये domperidone काम करता है dopamine inhibitor का और जिसकी वजह से फिश जो है वो जो है ovulate करती है

Uh, it in Uttar Pradesh, West Bengal, Bihar, Assam, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Orissa and Maharashtra. And it is much better than Pistry Extract because the production of the egg from Rohu, it was achieved by the pastry Extract by 1.15 lakh. And with the help of the overprime, uh, overprim, it, it increased to 1.41 uh, 1 lakh. And it is, um, it is a product of Sindel Lab, Sindel Lab Limited Canada. So, ये भी बहुत बारी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि किस कंपनी ने इसे बनाया था तो सिंड्रल लैब कनाडा ने इसे मैन्युफैक्चर किया था मगर यहाँ पर इंडिया में इसे ग्लैक्सो इंडिया बॉम्बे ये मार्केट करती है तो सिंड्रल लैब कनाडा ने इसे मैन्युफैक्चर किया इसे जो है बनाया और इसे इंडिया में ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती है ग्लैक्सो इंडिया की तरफ से so ovaprim has been tested successfully on wide range of fish as i told you many freshwater salt brackish water species they have been used successfully uh, with the ovaprim to induce uh, them to breed and it has been found to be very fruitful in aquarium fish industry as well and uh, one can gain much from the ornamental uh, fishes by injecting this very hormone and it has also been successfully used in um,

और सिंडल लैब कनाडा ने इसे मैन्युफैक्चर किया और इंडिया में ये ग्लेक्सो इंडिया लिमिटेड लिमिटेड जो है इसे मार्केट करती है और ये वाइड वैरायटी ऑफ फिशेस पर एक्ट करता है चाहे वो कार्प हो चाहे वो फ्रेश वाटर फिशेस हो चाहे वो ब्रैकिश वाटर फिशेस हो चाहे वो एक्वेरियम फिशेज हो इन सब पर यह अच्छी तरह एक्ट करता है चलिए हम ओवरप्रिम की कुछ केस स्टडीज के बारे में जाने field trials in india during 1988 to to 1988 to 1990 overprem for induced spawning of the indian major carp are the fringe lived carp silver carp ड कार्प ग्रास कार्प वेरियस लोकेटेड इन डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में जो भी मछलियां मिलती थीजियस तो नंदिशाइटल ने 1990, 1991 में इसे डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन में नाइनटीन एटी एट से नाइनटीन नाइनटी के दौरान में इसे टेस्ट किया फ्रिंज uh, लिप्ड कार पर सिल्वर कार पर बिग हेड

Within, within जिन्हें भी इंजेक्ट किया जाता था ये ओवरप्रेम वो, वो लगभग दस से चौदह घंटे में स्पान करती थी एंड ओवलेशन एंड स्पानिंग सक्सेसफुली इंड्यूस्ड इन इंडिया बाई लिनपे मैथड यही मैथड जो जिसे हम लिनपे मैथड बोलते हैं इन एशियन कैटफिश में भी से अच्छी तरह टेस्ट किया गया क्लेरियस जैसे कि क्लेरियस बैट्रेकस और इंडियन कैटफिश जैसे हम एट्रोपनिस्टस फॉसिलस बोलते हैं इस पर भी इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले क्या एडवांटेजेस हैं वो, वो प्रेम के तो वो इस सबसे पहले तो हम इसके नेगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो थोड़ा सा कॉस्टली है तो अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें इट इज डबल द कॉस्ट ऑफ द पिस्ट्री एक्सट्रैक्ट एंड येट जो इसके एडवांटेजेस हैं और अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस हैं जैसे कि इसकी पोटेंसी है इसका एश्योर्ड ब्रीडिंग रेस्पॉन्स है मगर जब उसकी बात करें तो यह हमें सस्ता ही पड़ता है तो है तो ये कॉट कॉस्टली मगर अगर हम इसको कंपेयर करेंगे इसकी पोटेंसी और ब्रीडिंग रेस्पॉन्स को लेकर तो ये हमें सस्ता ही पड़ता है बिकॉज इट रिड्यूसेस लॉस इनकर्ड ड्यू टू स्पनिंग फेलियर रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर क्वालिटी Uh, of the glands so being costly on the on one hand but it gives good results which compensates its cost.

फर्टिलाइजेशन एंडल हिस्ट्री एक्सट्रैक्ट एंड तो इसका स्पानिंग फर्टिलाइजेशन हैचिंग सर्वाइवल ये सब हिस्ट्री एक्सट्रैक्ट के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा इसके अच्छे रिजल्ट है रेफ्रिजरेशन ऑफ द सोल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड एट इट एज इट हैज लॉन्ग शेल्फ लाइफ तो ये परवाह करने की भी जरूरत नहीं है कि इसकी रेव, इसको हमने कोल्ड स्टोरेज में या फ्रोजन कंडीशन में हमें इसे रखना है नहीं इसका जो शेल्फ लाइफ है वो लॉन्ग है हम इसे बिना रेफ्रिजरेटर के भी बहुत देर तक हम इसे यूज कर सकते हैं दूसरा जो हमारे पास सिंथेटिक हार्मोन जो इस्तेमाल होता है वो है ओवर ये भी एक मशहूर जो है सिंथेटिक है. हैिम की तरह इट इज ए कंपाउंड लार्ज बाई हिमोफार्मा मुंबई तो ये हमारा इंडिजिनस है Ooprim जो है वो कनाडा का था तो ओवरटाइड हमने बनाया इंडिया में हीमोफार्मा कंपनी मुंबई ने बनाया एंड इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गोनेडोट्रोफिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग विद डोपामाइन तो यहां पर गोनेडोट्रोफिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का एनालॉग डोपामाइन के साथ में कॉम्बिनेशन uh, में रखा गया है और इसकी रिकमेंडेड डोजेज जो है मेजर के केस में 0.2 टू 0.5 मिलीलीटर uh, जो है बताई गई है कैटला के केस में जीरो के केस में और 0.1 टू 0.4 मिलीलीटर जो है वो एम जो है मृगल के केस में सो so, तीसरा जो हमारे पास हार्मोन है वो, वो, है, वो, वो तो इट इज uh, ये हंगरी ने डेवलप किया इसी तरह का हार्मोन इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मैमियन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग विद वाटर सॉल्युबल डोपामाइन तो इसमें भी यही कॉम्बिनेशन है तो इसका मतलब है ओवाप्रेम ओवाटाइट ओवोपेल सेम कॉम्बिनेशन है मगर ओवोप्रिम जो है वो सालमन गोनाटोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और उसमें डोपामीन है जबकि ओवाटाइट ओवापेल में गोनाटोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के साथ में डोपामीन का इस्तेमाल किया गया है तो जैसे कि ओवापेल में मेमलिन गोनाटोट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन का इस्तेमाल किया गया है और वाटर सॉल्युबल डोपामीन का इस्तेमाल किया गया है एंड ओवोपेल की ये खास बात है कि ये पैलेट फॉर्म में होता है पैलेट फॉर्म में छोटे छोटे पैलेट्स की शक्ल में होता है एंड इट कंटेन्स 18 टू 20 मिलीग्राम ऑफ एम गोनेट्रोपिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ए एंड 8 टू 10 मिलीग्राम ऑफ मेटोक्लोप्रामाइड मेटोक्लोप्रामाइड तो इसमें हम ये पैलेट्स की शक्ल में होता है और इसमें गोनेट्रोफिन हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन के साथ में भी होता है और इसके रिकमेंडेड तो पर के जी ऑफ फिश का इस्तेमाल किया जाता है जो वाटर में डिजोल्व हो जाता हो डिजोल्व हो जाता है तो चौथा हमारे पास जो सिंथेटिक हार्मोन है वो ल्यूटनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन और इसके एनालॉग्स हैं

एक ओवुलेटिंग एजेंट है या स्पानिंग एजेंट है जो फिश में गोनाट्रोफिन सिक्रेशन को एनहेंस करता है और उन्हे, उन्हें उन्हें ओवुलेट या फिर जो है एक्स रिलीज करने में हेल्प करता है एक्स सॉरी एक्स रिलीज करने में हेल्प करता है एंड द काप्स इंजेक्टेड विद ल्यूटाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ए शोज ग्रेटर सक्सेस दैट इज 78.5% सक्सेस हैज बीन अचीव्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन एज कंपेयर टू फिश जहां, जहां पर 75 एक्सपेरिमेंटल डेटा अवेलेबल इट हैजर्व दैट नेचुर हार्मोन्स आर लेस इफेक्टिव सिंथेटिक हार्मोन्स, सिंथेटिक एनालॉग्स तो ये भी देखने को मिला कि नेचुरली अक्रे, रिलीजिंग हार्मोन जो है उनके मुकाबले में उनके सिंथेटिक एनालॉग्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं अब ऐसा ऐसा क्यों है कि नेचुरल से ज्यादा सिंथेटिक अच्छे रिजल्ट देते हैं इट इज प्रोबेबली ड्यू टू रिलीजिंग हार्मोन बींग मोर रेपिडली मेटाबिलाईज एंड रिमूव फ्रॉम द फिश तो इसकी एक वजह यह है कि सिंथेटिक हारमोन जो है रेपिडली मेटाबलाइज हो जाते हैं और फिश उन्हें ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके रिमूव करती है एंड इन जनरल सिंथेटिक एनालॉग्स लाइक लुटनाइजिंग हारमोन रिलीजिंग हारमोन ए दे आर अप टू वन थाउजेंड फूल्ड मोर पोर्टेंट और इसीलिए लगभग एक हजार गुना ज्यादा उनकी पोटेंसी है नेचुरल सिंथेटिक हारमोन के मुकाबले फिर उसके बाद आता है प्रोजेस्टिरोन प्रोजेस्ट्रोन जो कि एक स्टेराइड हारमोन है

These very um, derivatives of the progesterone, such as 17 alpha hydroxy progesterone and 17 alpha-hydroxy-20 beta-hydroprogesterone, then they are the steroids that have been found in significant quantities in the blood plasma of the maturing fishes. And injection with these steroids can bring about the final maturation and ovulation in fishes. So therefore, these very progesterone can partially, these very progesterone can partially replace gonadotropins. So gonadotropin को अगर रिप्लेस कर आ, कोई कर सकता है तो वो कौन है वो प्रोजेस्ट है हालांकि ये आ, मैचर फिश में पहले से मौजूद होता है मगर इसे इंजेक्ट करके इंड्यूस भी करवाया जा सकता है ताकि जो फीमेल फिश है वो ओवलेट सॉरी जो है रिलीज जैसे कि मैंने अभी बात की जी वी बी डी जर्मिनल वैसिकल, जर्मिनल वेसिकल ब्रेकडाउन

कब ब्रेकडाउन होगा उस जर्मिनल वेसिकल का और कब एग रिलीज हो जाएंगे तो इसकी वजह से यहाँ पर जो हेल्प ली जाती है किसकी डी ऑक्सी कॉटिसोन एसिटेट की और कार्टिसोन की कार्टिसोन कार्टिसोन और डोका डी ऑक्सी कार्टिसोन एसिटेट दे इफेक्टिवली स्टिमुलेटेड इन विट्रो ओवलेशन ऑफ हेट्रो हेट्रोमिस्टस तो जब हेट्रोमिस्टस फॉसिलस में इसका इस्तेमाल किया गया तो इन विट्रो में जो है इन्होंने इफेक्टिवली जो है ओवलेट करवाया को तो डोका जैसे कि अलेवन डी डी हाइड्रोक्सी कार्टिसोन एसिडेट इट इज डिफरेंट इन सेंस दे नॉट ओनली डिफरेशन बट ऑल्सो ब्रिंग अबाउट मैचुरेशन ऑफ द एग्स अब जो डोका डोका का एक और जो टाइप है अलेवन डी डी सोक्सी कार्टिसोन एसिडेट ये ओवलेशन तो करवाता ही है मगर साथ में मैचुरेशन ऑफ द एग्स भी ये um, करवाता है हैर देयर कमर्शियल यूज इज रूल्ड आउट बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट तो कमर्शियल अभी हम डोका को कमर्शियली जो है मार्केट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत हाई जा रही है फिर उसके बाद जो लास्ट में हम लोग जो सिंथेटिक हारमोन का हारमोन का इस्तेमाल करते हैं वो एंटी एस्ट्रोजेंस है सो दीज आर सिंथेटिक सिंथेटिक नॉन स्टराइडल कंपाउंड सच इज क्लोमिफिन

So, ये उन में ज्यादा काम अच्छे से काम करते हैं जहां पर वेट्रोजेसिस कंप्लीट हो चुका है और ब्लड एस्ट्रोजन लेवल जो है वो हाई है वहां पर हम लोग एंटी एस्ट्रोजन दे सकते हैं अब इन बहुत सारे जो इंजेक्शन हैं जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं जैसे कि ओवा प्रेम है ओआ टाइड है वोआ एफ है तो इनकी डोजेज क्या होती है लगभग किस डोज में दिए जाते हैं तो लगभग इनकी जो है जो स्टैंडर डोज है कैटला के मामले में कैटला के केस में 0.4 टू तो 0.5 एमएल ये मैंने पीछे भी बताया सिल्वर कार्प के केस में 0.4 टू तो 0.7 पर एमएल पर के जी बॉडी वेट के हिसाब से रोहू में 0.3 टू तो 0.4 मिलीलीटर पर के जी बॉडी वेट ग्रास कार्प 0.4 पॉइंट टू यानी कि सब अगर आप देखें तो लगभग 0.4 से लेकर 0.8 मिलीलीटर की रेंज में है मगर कुछ में बहुत ही ज्यादा कम डोज भी लगता है जैसे कि रोहू 0.3 टू 0.4 पॉइंट मृगल के केस में 0.25 से लेकर 0.3 ml बिग हेड बिगहेड के केस में 0.4 से लेकर 0.5 पॉइंट फाइव एम एल फ्रिंज लिप्ड कार्प के केस में जीरो पॉइंट फोर टू जीरो जीरो पॉइंट थ्री टू जीरो पॉइंट फोर एम एल के केस में जीरो पॉइंट सिक्स टू जीरो पॉइंट सेवन

So, this was all about the synthetic hormones used in the aquaculture industry, which are alternative to the pastry um, extract of the fishes. So, so, next time we shall be dealing with the pheromones and breeding in fishes, and then we shall be dealing with the band breeding. Thank you. Thank you very much.